माइक एंड डेव ये तो भाई बहुत ही मस्ती खोर होते हैं। ये शराब के बिजनेस करते हैं। किसी को भी मनाना अपनी शराब लेने इतना उन्हें मुश्किल ही नहीं था। लेफ्ट वाला माइक और राइट वाला डेव है। वो अपने घर आते हुए उनके माँ बाप के साथ उनकी छोटी बहन और उसका बॉयफ्रेंड जिसे जिनी शादी करने वाली थी सब इंतजार कर रहे थे। ये तो भाई कोई पार्टी को ठीक से होने नहीं देते थे और इसलिए जीनी का प्लान था कि वो उसके शादी में गर्लफ्रेंड ढूंढ कर लाए। इसे सुनकर वो दोनों खुश होता है। माइक को ज्यादा ही मस्ती करता था और डैड उसके बारे में डेव को कहते हुए डैड को माइक की चुगली ना करे कहता है। टैक्सी में बैठी ये दो लड़कियां जिसका नाम एलिस और टाथियाना है ये बिना पैसे की टैक्सी में सफर कर रहे थे। ये पता चलने पर टैक्सी के ड्राइवर उन्हें उतरने कहता है। ये बार में वेट्रेस का काम किया करती थी। काम पर शराब पीने के कारण उसके बॉस उन दोनों को काम से निकाल देते हैं। अपने घर में एलिस लैपटॉप में वीडियो देख रही थी जब उसके मंगेतर ने शादी के दिन ही शादी को तोड़कर वहां से चला गया था। एलिस और उसकी दोस्त तातियाना बैड गर्ल्स थी, मतलब दारू से लेकर ड्रग्स और लोगों को उल्लू बनाने तक ये सब हैबिट्स थे उनमें। यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए माइक एंड डेव ऑनलाइन साइट पर एड डालकर पोस्ट करते हैं। उसे देख कई लड़कियां आते हैं इंक्लूड धंधे वाली, पर उनमें ऐसा कुछ खास देखने नहीं मिला। वो सभी को रिजेक्ट कर देते हैं। आखिर में बड़े से टेलीविजन में चल रहे प्रोग्राम में आकर माइक एंड डेव कहते हैं हमें शरीफ लड़कियों की जरूरत है, उन्हें हम हवाई ले जाएंगे। उसे देखी ये दो लड़कियां वहां जाने रेडी होती है। एक शरीफ लड़कियों के बेस में बंधन के जाते हैं जहां माइक और डेव बार में शराब पी रहे थे। तातियाना एलिस को प्लान बताती है, हम दूसरी लड़की के जैसे बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि वो खुद हमें हवाई ले जाएंगे कहकर वो कार के सामने आकर एक्सीडेंट होने की नाटक करती है। इसे देख माइक एंड डेव वहां पर आते हैं और माइक तारियाना को सीपीआर देकर बचाता है। माइक और डेव को वो लड़कियां पसंद आते हैं। तातियाना मैं टीचर हूं कहती है माइक से, एलिस ट्रेड मार्केट में मैं काम कर रही हूं कहती है डेव से। बाहर से बाहर आकर माइक और डेव उन्हें हवाई ले जाने की बातें करते हैं और ये बात लड़कियों से कहते हैं, वो खुश होते हैं और ऐसे प्लेन में वो पहुंचते हैं हवाई बहन जीनी की शादी में चार चांद लगाने। हवाई के होटल आकर पहुंचते हैं। माइक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डेव से कहता है। उस पर तातियाना कहती है मैं तो उसे नजदीक भी आने नहीं दूंगी। रूम में पहुंचने से पहले उन्हें कहां घूमने जाना है इन शादियों के दिनों में उन जगह को दिखाते हैं मैप के द्वारा। माइक अपने रूम में तातियाना को ले आने का प्लान था पर वो अपनी फ्रेंड एलिस के साथ उसके रूम में रहना पसंद करती है। थोड़ी देर में उन्हें अपनी छोटी बहन जीनी से मिलवाते और वो खुश होती है और माँ बाप से भी, उन्हें भी पसंद आती है वो लड़कियां, ये शरीफ लड़कियां जो असल में थी नहीं। स्टेज में खड़े होकर सभी आए मेहमानों को धन्यवाद कहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीनी। रात को एलिस और तातियाना वो वाली फिल्म को देखते हैं और उसी वक्त माइक आकर उसे बाहर बुलाता है। उस पर मैं स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ कहती है। माइक और डे को डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करना था। जीनी को जुरासिक पार्क शूट हुए जगह पर जाना था। थोड़ी देर के बाद माइक मान जाता है। वो लोग जुरासिक पार्क शूट हुए जगह पर आते हैं। एटीवी मोटरसाइकिल में अब वो दो लड़कियां कई ऊपर से नीचे की तरफ बिना डरे आते हैं। ये देखकर जीनी हैरान हो जाती है। इसे देख माइक मैं भी किसी से कम नहीं कहकर ऊपर से बड़ी तेजी से आते वक्त कंट्रोल खोकर जीनी को एटीवी का पहिया लग जाता है और वो गिर जाती है जमीन पर। घर पर माइक को मॉम डैड डांटते हैं। जीनी की शादी थी कुछ ही दिनों में और दुल्हन का चेहरा बिगाड़ दिया था माइक ने। माइक और डेव को बाहर बुलाकर उनके डैड उन्हें डांटते हैं। मसाज के लिए इंतजार कर रही जीनी के साथ उसके असिस्टेंट वहां पर एलिस आकर जोर से बातें कर रही थी उसके असिस्टेंट से। ये सुनकर उन्हें चुप बैठने कहती है। जीनी को मसाज करने वाले के पास जाकर उसे पैसा देकर जीनी को वो जन्नत वाली मसाज करने कहती है एलिस। थोड़ी देर में जीनी को अंदर बुलाकर ऑयल मसाज करता है वो। यहाँ पर स्टीम रूम में रियाना की पासेस के लिए टेरी उसे उंगलियों से मेहनत करने कहती है। ये ढूंढ कर आ रहा जीनी का भाई माइक ये देखकर वहां से जाता है और स्टीम रूम में उंगली कर रहे उन्हें भी देख लेता है। इस मसाज से जीनी को खुशी होती है। मसाज करने वाले एलिस को दिखाकर उन्हें थैंक यू कहने कहता है। बाहर झाड़ियों के नीचे डेव और एलिस बातें करते हैं। डेव अपने भाई माइक के बारे में बताता है, वो उसके बचपन के बारे में बताता है। होटल में तातियाना माइक को वो सारी बातें बता देती है कि वो शरीफ नहीं है बल्कि ड्रग्स लेने वाली बैड गर्ल्स है। इसे सुनकर माइक नाराज होकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर एलिस उसे सब कुछ कहती है और वो वीडियो भी दिखाती है वो डेव को पसंद करने लगी थी।
थोड़ी देर बाद माइक अपने भाई डेव को वहां से बुलाकर ले जाता है, सारी बातें बता देता है जो उसने देखी थी। मेरी स्पीच सुनकर तू ढीला हो जाएगा कहकर माइक को चिढ़ाकर वहां से जाती है टेरी। यहाँ पर दोस्तों एलिस शादी से पहले दिन ड्रग्स की गोली देती है चिनी को। शुरू एक गोली से करते हैं, फिर सारी पाउच को खाली कर देते हैं वो। वहाँ पर टेरी को जमन गोटा मिलाकर उसकी स्पीच को नहीं बोलने जैसा करना चाहता था माइक। इसे रोकता है डेव और उनके बीच मारामारी होती है। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि उन्होंने माइक पहना हुआ है। और वो मसाज रूम में हुई बात को सुनकर जिनी का बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है और ये लोग लड़ते लड़ते स्टेज की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ड्रग्स उन्हें जन्नत में ले गया था, वो सारे घोड़े को कैसे रिहा कर देते हैं। वहां पर माइक उदास बैठे समय तातियाना आकर मैंने जो किया वो सही नहीं था कहती है। थोड़ी देर में अपनी सिस्टर जिनी को ढूंढता हुआ डेव वहां पर आता है। उस वक्त उन दोनों के कपड़े नहीं थे। ये देखकर डेव को गुस्सा आता है। मेरी बहन को तुमने ड्रग्स खिलाया कहता है एलिस से। असिस्टेंट आके जिनी को कपड़े पहनाकर वहां से ले जाती है। जिनी को उसका बॉयफ्रेंड पूछता है तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं, तुम बोरिंग हो कहकर वहां से जिनी रोकर चली जाती है। अपने कपड़े देकर उसे यहाँ लाए डेव ने ये सब सुनकर बहुत गुस्से में एलिस को डांटता है और वो लोगों की शादी टूट गई सोचकर बैग पैक कर घर जाने निकलते हैं। और तभी दो भाई कहते हैं हमने ये क्या कर दिया, हमारे प्यारी से जीनी की शादी हम करके रहेंगे कहकर जीनी की कमरे में जाते हैं। यहाँ पर एलिस और तातियाना को अपनी गलती का एहसास होकर उनकी शादी टूटने नहीं देंगे कहकर जीनी के कमरे में आते हैं। रूम में जीनी का बॉयफ्रेंड मैं बोरिंग नहीं हूँ कहकर जीनी की मनपसंद हॉट एयर बलून की दो टिकट को दिखाता है जिससे जीनी खुश होती है। यहाँ पर माइक पादरी का लाइसेंस के लिए रजिस्टर होकर उन दोनों की शादी को करवाता है। शादी की पूरी तैयारी वो लोग पहले ही कर चुके थे और ऐसे उनकी शादी टूटने से बचती है और ऐसे शादी हो जाती है। माइक टाटियाना से शराब के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए कहता है और मुझे कुछ चांस नहीं है क्या, पूछता है टाटियाना से। वो हंसकर चली जाती है। यहाँ पर उस वीडियो को परमानेंटली डिलीट कर देती है एलिस क्योंकि उसे सच्चा प्यार मिल गया था। डेव एलिस के पास आकर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कहता है। बस फिर क्या था, डेव के ऊपर कूद कर किस करने लगती है। शाम के वक्त घर जाने से पहले अपने डांस को दिखाते हैं। चाइना के पटाखे तो चाइना के जैसा ही होते हैं, वो आकाश में जाने के बदले लोगों पर गिर रहे थे। वो ऐसे दोस्तों इस मूवी की कहानी खत्म होती है। अपना बहुत ख्याल रखना, मैं मिलूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।